ने क्यों धक्के मारकर अपने घर से निकाला आम्रपाली को। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आजकल निरहुआ और आम्रपाली में कुछ अच्छी खासी बन नहीं रही है। दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते हैं और ये अब झगड़े खुले आम भी होने लगे हैं। इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है आम्रपाली का जिद्दी नेचर और हद से भी ज्यादा सेट पर नखरे दिखाना, जो अब निरहुआ को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ लोगों की माने तो इन लोग में जितनी पहले बॉन्डिंग अच्छी थी, अब वो बॉन्डिंग कहीं न कहीं खोती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि आम्रपाली छोटी से छोटी बात को लेकर अग्रेसिव हो जाती है और उस अग्रेशन में वो शूटिंग छोड़ घर के लिए रवाना हो जाती है। भले ही प्रोड्यूसर का कितना भी लॉस हो, इससे आम्रपाली को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ये था कि निरहुआ इन हरकतों पे आम्रपाली के, खासकर ये सब जो हरकतें वो किया करती थी, उस पर पर्दे डाल दिया करते थे। लेकिन आम्रपाली के झगड़े बढ़ते देख अब निरहुआ से भी उनका ये नेचर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। निरहुआ को आम्रपाली की सबसे ज्यादा जिस आदत ने परेशान किया है, वो उनका हद से ज्यादा शराब पीना। जी हाँ, आम्रपाली को शराब पीने की एक बुरी लत है, जिससे उनसे जुड़ा हर इंसान परेशान रहता है। एक बार ऐसे ही डॉक्टरों ने निरहुआ को तबीयत ठीक न होने के कारण शराब पीने से सख्त मनाही की थी, लेकिन आम्रपाली की वो इस जिद पर अड़ गई कि निरहुआ उनके साथ बैठ के थोड़ी तो शराब पी ले। लेकिन डॉक्टरों की सलाह के कारण निरहुआ ने हाथ भी नहीं लगाया शराब को और आम्रपाली को इसी पर गुस्सा आ गया। निरहुआ के लाख समझाने पर भी आम्रपाली नहीं मानी। इस पर इन दोनों में इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि झगड़ा बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया कि निरहुआ ने आम्रपाली को आधी रात को अपने घर से निकाल दिया और घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस घटना को लेकर निरहुआ और आम्रपाली के बीच बहुत दिन तक बात नहीं हुई। फिर आपसी मनमुटाव को दूर कर निरहुआ और आम्रपाली बात तो करने लगे, लेकिन कहा जाता है कि उन दोनों में अब पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं रह गई है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।